कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना एक नया व्लॉग। मैंने पहले स्टार्ट किया था कि मैं फूड ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन वो कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं उसको अभी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, पर स्टिल मैं करूँगी बाद में। तो या वेरी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे पर्सनल व्लॉग में। तो आज सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करती हूँ, मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं अब जाने वाली हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है कॉलेज। तो मैं रेडी होने के बाद आप लोगों को अपडेट करती हूँ कि कब निकलूँगी मैं कॉलेज के लिए। ओके, और क्योंकि मैं जा रही हूँ तो फिर आप लोग भी साथ ही चल रहे हो यार, शाम तक साथ ही रहना है। गाइज मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में हूँ एक्चुअली। ना जब डेली कॉलेज जाना होता है ना, तो हमें ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं सीरियसली। मुझे तो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मुझे ना कपड़े सेलेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरा 1 घंटा वेस्ट हो जाता है कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। तो लेट्स सी क्या पहनती हूँ। तो गाइज फाइनली मैं निकल रही हूँ अपने घर से और जा रही हूँ कॉलेज के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ। वैसे मुझे काफ़ी टाइम लग गया था रेडी होने में, अब 8 o'clock से ज़्यादा हो रहे हैं। तो चलो चलते हैं कॉलेज। आज आपको अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स से मिलवाती हूँ और आपको अपना पूरा कैंपस दिखाने वाली हूँ। गाइस बहुत ऑसम होने वाला है। वैसे मैं ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती हूँ, बहुत ठीक ठाक ही लग रही हूँ। वैसे जैसी भी लग रही हूँ यार, डोंट माइंड। शक्ल से थोड़ी ना कुछ होता है। अब इंसान ना क्या बोलूँ यार, सुबह सुबह ज्ञान फैल रही है ऐसा बोलोगे आप लोग। खैर ठीक है, इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, शक्ल से नहीं। वैसे मेरी शक्ल भी इतनी बुरी भी नहीं है यार, इतना तो चलता ही है। आई वॉकड आउट फ्रॉम माई स्ट्रीट एंड आई एम गोइंग टू टेक अ बस फॉर द कॉलेज। एक्चुअली मेट्रो भी यार सही रहती है मेट्रो, लेकिन यू नो ना ब्रो, अब क्योंकि बस फ्री है दिल्ली में, तो ऑफकोर्स जितने पैसे मेट्रो में लगाऊंगी उतने के तो मैं खा लूँगी ना कुछ। तो गाइज आई एम वॉकिंग आउट और सन इज़ राइजिंग, इट्स अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना। सुबह सुबह का मौसम जो होता है ना यार, पता है बहुत मज़ा आता है सुबह निकलने में। हाँ पहले थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि हम 2 साल तक कॉलेज नहीं गए, और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया ना, तो मॉर्निंग में उठना कितना मुश्किल होता था मैं बता नहीं सकती। लेकिन अभी ठीक है, मज़ा आता है सुबह सुबह जाना, और फिर सुबह इतनी ठंडी हवा, थोड़ी थोड़ी सी धूप, बहुत प्यारा लगता है। तो आई एम वेटिंग फॉर अ बस। यार पता है इतना प्रॉब्लम होता है ना, अभी ना क्या हो गया कि सीट्स जो है ना लिमिटेड हो गई हैं, तो लोग ना ज़्यादा नहीं जा पाते बसेस में। यार ये बहुत ज़्यादा अनॉइंग होता है ना कि ऐसे वेट करना बस का एंड ऑल। वैसे ठीक है, बहुत लोग वेट भी कर लेते हैं, जैसे होगा आप में से कोई जिसको वेट करना पसंद होगा, बट स्टिल आई एम सो इम्पेशेंट, मुझसे वेट नहीं होता बिल्कुल भी। यू नो मुझे मुझसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को ये होती है कि यार तू पेशेंट नहीं है, तू बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है वेट करने के मामले में। तो ठीक है यार। उतर गई हूँ एंड आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स कॉलेज। थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से, और चलो पहुँचने वाली हूँ, 5-7 मिनट में पहुँच जाऊँगी। वैसे मैं बहुत स्लो वॉक करती हूँ यार, क्योंकि इतनी मोटी जो हूँ। हाँ मुझे सभी बोलते हैं कि तू बहुत स्लो वॉक करती है। मैं कहा ठीक है यार, इतनी जल्दी चलने की क्या जरूरत है। अब यार मैं और लोगों की तरह पतली थोड़ी रहूँ कैसे, उड़ उड़ के चल दूँगी बस। मैं बस वॉक कर ही जा रही हूँ। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, इतनी सुबह ही इतनी ज़्यादा तेज़ धूप आ गई। गर्मियाँ तो स्टार्ट हो ही गई हैं। अब गर्मियों में यार मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता ऐसे धूप में इतना ज़्यादा वॉक करना। लेकिन ठीक है यार, करना तो पड़ेगा ही, स्टूडेंट्स लाइफ थोड़ी ऐसी ही होती है। वैसे ये जो रोड है ना, बहुत ज़्यादा शांत है और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे चलना। ठीक है, हाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं,
सभी कॉलेज के लिए जा रहे हैं और मैं भी कॉलेज के लिए जा रही हूँ। वैसे सब मुझे बहुत ज़्यादा स्टेयर कर रहे हैं लाइक कि यार ये कर क्या रही है अकेले। लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे साथ ये लोग भी चल रहे हैं गाइस, मैं अकेली नहीं हूँ। जस्ट लुक एट देम, बहुत फास्ट चलते हैं, मैं बहुत स्लो चलती हूँ यार, क्या करूँ। वैसे व्यू काफ़ी अच्छा है ना। ओ हेलो, हाय सोल्जर्स जा रहे थे और आई सेड देम हाय, तो दे रिप्लाइड मी हाय। अच्छा लगा क्योंकि वो मुझे देख रहे थे, वो मैं कर क्या रही हूँ रास्ते में अकेले, तो मैंने कहा चलो बोल देती हूँ। फाइनली आई रीच्ड हेयर, ये है हमारा गेट, एंट्री गेट जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। चलो एंटर करते हैं। आई एंटर द कॉलेज और मैं आप लोगों को कॉलेज दिखाऊंगी। पहले तो अभी मेरी एक क्लास है, मैं वो क्लास अटेंड करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ पे चिल मारते हैं बैठ के। स्टेयर्स चढ़ना बहुत मुश्किल है यार, मतलब मैं तो स्टेयर्स से बहुत ज़्यादा भागती हूँ। लेकिन यू नो वी कांट यूज़ लिफ्ट क्योंकि वो ओनली फॉर टीचर। विदाउट रिएक्ट किए मुझे पता चल गया दैट शी वॉज ब्लाइंड, देन आई विल बी ओके। मुझे ध्यान देना चाहिए, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मैं हो गई हूँ क्लास से फ्री और हम लोग जा रहे हैं बुक लेने के लिए। हमारे कॉलेज में एक बुक शॉप है, हम वहाँ जा रहे हैं। और तीनों हैं मेरे साथ, दीपा, रिशिता और प्रशंसा। दिस इज आवर बुक शॉप। और वो दोनों, वो तीनों अभी बुक ले रही हैं और मैं बाहर आ गई हूँ। सब लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। मैं यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, मतलब जो गार्डन का व्यू है ना बहुत अच्छा आ रहा है, यहाँ से दिखा रही हूँ आप लोगों को। जस्ट लुक एट द व्यू हेयर गाइस, इट्स अमेजिंग। देखो कॉलेज में सब ऐसे ही बैठे रहते हैं। ये है हमारी बिल्डिंग कॉलेज की, इन ब्लॉक्स में हमारी क्लासेस होती हैं। और ये है हमारा बुक शॉप एरिया, ये है हमारी लाइब्रेरी। लो ये बाल कलर करवाने की सोच रही है भाई, आ जाओ, क्या दिक्कत है, जल्दी वीडियो। यार वेयरिंग अ मास्क ना, ओले मेरी दीपा, इधर देख तो ले एटलीस्ट। हम लोग तो जा रहे हैं, कुछ खाएंगे बैठ के आराम से गार्डन एरिया में। ये हमारा गार्डन एरिया है, जस्ट लुक एट द फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स हैं यहाँ पे। मैं और दिखाती हूँ,
सबसे ज़्यादा सुंदर फ्लावर्स जो है ना, बहुत सारे कलर के, वो सारे यहाँ पर हैं. एज यू कैन सी, लुक एट द फ्लावर्स. अच्छे है ना. दिस इज आवर गार्डन एरिया एंड ओपन जिम ऑल्सो. और सामने हमारा कॉमन रूम है. चलते हैं, क्या हो रहा है देखते हैं वहाँ पर. ड्रामेटिक सोसाइटी के स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर डूइंग सो वेल. आई वॉज जस्ट लव इट. मतलब मन कर रहा था ना बस ऐसे देखती ही रहूँ पूरे टाइम. बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था. बहुत सारे लोग लाइक सब अपनी अपनी क्लासेस छोड़ के यहाँ आ गए देखने के लिए. उनको बहुत अच्छा लग रहा है. तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और मेरा कैंपस तो मतलब अभी मैंने शायद आधा भी नहीं दिखाया है आप लोगों को. तो मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके दिखाऊंगी. तब तक के लिए आप लोग ये सारा कुछ एंजॉय करो यार. बहुत ऑसम था सीरियसली.
मज़ा आ गया. वॉकड आउट फ्रॉम द कॉलेज, नाउ आई एम गोइंग टू होम. और चलते हैं, मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है, खाएंगे खूब ढेर सारा. तो अब मैं घर आ चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं कुछ खाना जा रही हूँ. और बस मैं आप लोगों से इतना बोलना चाहूँगी कि यार, मैं एक तो प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ, तो मेरी गलतियों को थोड़ा सा इग्नोर कर देना यार, प्लीज़. हाँ, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रोफेशनल व्लॉगर बनूँ और आप लोग मेरे व्लॉग्स पसंद करते हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. और मेरी वीडियोस को बहुत ढेर सारा प्यार दे देना यार, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है पूरे दिन. पता है मैंने कुछ खाया भी नहीं था, थोड़ा सा खाया था बस अपने फ्रेंड के लंच में से, ज़्यादा नहीं. तो या इतना ही था मेरा आज का व्लॉग. और पसंद आए तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बताना और लाइक ज़रूर 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 कर देना. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.